नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश के 102 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें भी शामिल है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चे में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना है। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इमरान मसूद, बोलते हैं और कई बार उटपटांग बोलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आया उनके मुंह से राम और रोटी निकलने लगा। आज भी ये सवाल उठा तो देखिए उन्होंने कैसे दिया जवाब। एकदम चुनाव के दौरान आप एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम हो तो ऐसी कोई कटुता नहीं है, सब प्रेम भाव के साथ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सहारनपुर सीट एक वीआईपी सीट मानी जा रही है, देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फिर इधर मायावती और प्रियंका जी लगातार दौड़े रहे, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया, किस तरह से देखते हैं क्या कहेंगे? चुनो, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सबका काम है कि जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के नेता भी कोई बुलाता है वो आते हैं, तो उसमें क्या बात है। इस बार जो है इमरान मसूद एक नया ही निकल के चेहरा नजर आए, जो हमेशा अपने आप को अलग तरीके से रखते थे, इस बार बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुपचाप तरीके से चुनाव हुआ। ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपने राम को भी इस बार मनाया? मैं इस बार ऐसा है भाई, एक बात तो सुनिए, राम कोई चुनाव का विषय थोड़ा ही है, राम कोई चुनाव का विषय नहीं है। नहीं, आपने कहा कि जो राम के नहीं हुए वो दूसरों के कहा हुए। तो आप राम चुनाव का विषय नहीं है, राम चुनावी विषय नहीं है। जो राम को चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको राम जी नाराज होकर के करेंगे। राम मंदिर भी बना और उसके बावजूद तो सब ठीक है ना, सब ठीक है। क्या कहेंगे इस बार, किस तरह से वोटर जो है फिलहाल अब क्या देख कर चुनाव वोट डाले अपना, किस तरह से आप क्या मुद्दे? नहीं नहीं, वोटर तो देख रहा है, देश का संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ रहा है। हमारा हमने नारा दिया था मेरा मान मेरा संविधान, वही चल रहा है। क्या कहेंगे कि जो फिलहाल वोटर से चुनाव जीत रहे हैं भैया, वोटर चुनाव जीत रहे हैं। लाइन देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजपूतों ने कहा कि इमरान का नहीं, हमारे स्वाभिमान का चुनाव है, तो चुनाव चल गया। आज बार गाड़ी पार है इंशाल्लाह। माजिद कहाँ देख रहे हैं? माजिद कहीं नहीं, माजिद का कमांडर ही भाग गया। एक बात सुनिए, बसपा का कमांडर इन चीफ ही भाग गया, जिसने जो उसका प्रस्तावक था, जो उनके बड़े नेता थे, वो सारे पार्टी छोड़कर भाग गए 2 दिन पहले। तो उनका चुनाव तो 4 दिन पहले बैठ गया जब उनके कमांडर भाग गए। किसी फौज का कमांडर अगर भाग जाएगा तो फौज क्या लड़ेगी? मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, कह रही है कि जो आप खुलकर वोट कीजिए। बहन जी तो कैद में है, बहन जी भाजपा के कैद में है, बहन जी कोई बात का वो नहीं। अभी तो ये गठबंधन के अंदर जो जीत कर आएगा, गठबंधन ही उन्हें कैद मुक्त कराएगा। बहन जी जो कैद में बैठी हुई है उनको कैद से मुक्त भी गठबंधन ही कराएगा। कुछ और लोग कह रहे हैं कि जो बसपा है वो जो गठबंधन के साथ ही काम कर रही है, बाकी भाजपा के तो बी टीम के रूप में तो काम। भाजपा की बी टीम बसपा ही है, और पूरे प्रदेश में यहाँ थोड़ी ना, और वो मजबूरी है बहन जी को, जब उन्होंने घेर करके बैठा रखा है, बहन जी को डरा दिया है, बहन जी बैठी है बेचारी डर करके, बहन जी को दिखाई नहीं दे रहा कि देश का संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, और जो संविधान हटाने की और बदलने की बात कर रहे हैं आप, उनको समर्थन कैसे कर सकते हो? प्रत्यक्ष रूप से भी है, प्रत्यक्ष रूप से भी। गठबंधन को किस तरह देखते हैं आप फिलहाल? गठबंधन सरकार बनाएगा इंशाल्लाह। और किससे मुकाबला फिलहाल आपको लगता है? भाजपा से है, पूरे देश में इंडिया वर्सेज एनडीए। सुना आपने, कह रहे हैं कि राम राजनीति और चुनाव के मुद्दे नहीं है, राम तो राम है, उस सबके दिलों में बसते हैं। दरअसल इमरान मसूद समझ गए कि जब सभी समुदायों का वोट लेना है तो सद्भाव की बात करनी होगी, और यही बात वो विपक्ष से भी कह रहे हैं कि उनकी तो आदत है, स्टाइल है लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने की, लेकिन हम तो राम और रोटी की बात करेंगे, सद्भाव और प्यार की बात करेंगे। क्या बात है इमरान मसूद, कभी बोटी बोटी की बात किए थे, अब राम राम और रोटी रोटी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।